आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में 22 फरवरी 2024 को हम सब देश के एक ऐसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल के साक्षी बने जिसने न केवल सभी देशवासियों के चेहरों पर खुशी बिखेरी बल्कि उनके मस्तक को गर्व से और भी अधिक ऊंचा कर दिया। ये वही दिन था जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में स्थित भारत के सबसे बड़े और विशालकाय स्वदेशी तकनीक पर आधारित काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट क्षमता वाली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर अर्थात PHWR प्रौद्योगिकी पर आधारित तीसरी और चौथी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। वास्तव में ये एक ऐसा अविस्मरणीय पल था जो भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तरीके से नई बुलंदियों को छूने और भारत को तरक्की के स्वर्णिम मार्ग पर प्रशस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा था और जिसे साकार करने के लिए देश के परमाणु वैज्ञानिकों, अभियंताओं और समस्त कर्मियों ने दिन रात अपनी अनवरत मेहनत और क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दिया। 16 दिसंबर 1973 को राजस्थान के रावत भाटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की 200 मेगावाट की प्रथम इकाई से लेकर पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर आधारित गुजरात स्थित काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना की सबसे बड़ी 700 मेगावाट की तीसरी और चौथी इकाई तक का सफर भारत के परमाणु ऊर्जा के बढ़ते आयाम एवं स्वर्णिम सफर की दास्तां को बहुत ही खूबी से बयान कर रहे हैं। और इसके इसी सफर के साक्षी बनते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 700 मेगावाट के तीसरी इकाई के पूरी क्षमता पर चलने के समय भी अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित कर परियोजना से जुड़े सभी लोगों का पूरे जोश के साथ उत्साहवर्धन किया। गुजरात के सूरत से लगभग 65 किलोमीटर दूर काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र 3 एवं 4 देश के 700 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले पहले और सबसे बड़े स्वदेशी PHWR हैं, जिसका डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन भारत सरकार के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वाधान में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करते हुए 700 मेगावाट की ये दोनों इकाइयां अपनी तरह की प्रथम हैं। साथ ही काकरापार की चौथी इकाई के व्यवसायिक परिचालन के शुरू होने के साथ भारत में NPCIL द्वारा संचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या अब 24 हो गई है और कुल संस्थापित क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर 8180 मेगावाट हो गई है। इन सब में सबसे विशेष बात ये रही कि इस परियोजना की तीसरी एवं चौथी इकाई ने COVID-19 जैसी अप्रत्याशित वैश्विक आपदा के दौरान भी राज्य एवं केंद्र सरकार के समस्त प्रोटोकॉल्स और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बेहद सुरक्षित एवं सुनियोजित तरीके से निर्माण कार्य को जारी रखा। साथ ही अन्य सभी एजेंसियों के बीच में पारस्परिक समन्वयन बनाए रखकर एवं परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की सभी प्रक्रियाओं और कठोर परीक्षणों से गुजरते हुए क्रिटिकैलिटी हासिल किया, जो कि वास्तव में किसी रिएक्टर में पहली बार फिशन चेन रिएक्शन की शुरुआत होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तत्पश्चात देश को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु इन इकाइयों को पश्चिमी ग्रिड से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया गया। विश्व में संभवतः ये परियोजना ऐसे बड़े स्तर की कुछ परियोजनाओं में से एक होगी जिसने COVID-19 जैसी आपदा के बावजूद भारत में विद्युत उत्पादन की दिशा में पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। इसके साथ ही अगर हम KAPP3 एवं 4 के डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन की चर्चा करें तो इसमें बहुत सी नवीनतम तकनीक के साथ साथ अत्याधुनिक नए सेफ्टी सिस्टम्स का भी समावेश किया गया है, जिनमें से कुछ जैसे पैसिव डिके हीट रिमूवल सिस्टम, पैसिव ऑटो कैटालिक रिकॉम्बाइनर्स, एयर कूल डीजल जनरेटर, कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम, रिएक्टर बिल्डिंग की स्टील लाइंड इनर वॉल कंटेनमेंट आदि प्रमुख हैं, जो इसे सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विश्वसनीय बनाती हैं। इस परियोजना की विशेषता ये है कि 700 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले इन दोनों रिएक्टरों की उत्कृष्ट डिजाइन का कार्य NPCIL के विशेषज्ञों द्वारा पूरा किया गया
और परियोजना से जुड़े सभी उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की विशेषज्ञ भारतीय कंपनियों द्वारा उच्च गुणवत्ता और विश्व के श्रेष्ठतम मानकों के अनुरूप भारत में ही तैयार किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक उत्कृष्ट प्रयास है। अभी तक काकरापार स्थल की मौजूदा संस्थापित क्षमता 440 मेगावाट थी, जिसमें दो इकाइयां KAPS 1 व 2 2 × 220 मेगावाट शामिल हैं। लेकिन अब काकरापार की तीसरी और चौथी इकाइयों के व्यावसायिक परिचालन के शुरू होने के साथ इस स्थल की क्षमता बढ़कर 1840 मेगावाट हो गई है। दिस इज एन हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स। आई कांग्रेचुलेट आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन दिस रिमार्केबल जर्नी। दिस इज एन हरविंदर ऑफ आवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। विल बी एडिंग 15 मोर सच रिएक्टर्स वन आफ्टर अनदर, मेकिंग टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। एंड आई विश ऑल आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑल द बेस्ट इन देयर फ्यूचर एंडेवर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई 3 एवं 4 ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए स्वयं को आने वाले सभी 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टरों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में स्थापित कर दिया है, और आने वाले समय में 700 मेगावाट के अन्य सभी रिएक्टर्स देश में विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। As we know, the 700 megawatt reactor is the upgraded version of 540 megawatt, and 540 megawatt has been upgraded from 220 megawatt. This has been done by our own engineers in NPCIL. I congratulate all my engineers and staff of NPCIL who has contributed for development of this nuclear reactor. It is possible because of the hard work, the dedication shown by our engineers, the strong domain knowledge they have, and the support and guidance by our elders in NPCIL and various institutions of Department of Atomic Energy. And today I definitely can say the reactor which we have just commissioned is one of the safest reactor in the world. अगर देखा जाए तो PHWR तकनीक के क्षेत्र में 220 मेगावाट, उसके बाद 540 मेगावाट और अब इन सब से बढ़कर 700 मेगावाट तक के सफर को जारी रखते हुए NPCIL अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के कुशलतापूर्वक संचालन के तहत स्वच्छ एवं हरित तरीके से पर्यावरण हितैषी बिजली बनाकर वर्ष 2070 तक नेट जीरो के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। सबसे पहले अपनी दिल की गहराई से सभी को बधाई देता हूँ, जिसमें कि हमारा काकरापारा स्थल, जो कि हमारा NPCIL का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ हमारे NPCIL के हेडक्वार्टर के जितने भी सब ग्रुप हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, BRC है जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, ARB हैं, NFC है, हैवी वाटर प्लांट हैं, L&T हैं, और बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स और भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, सभी ने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम करके इस चीज को इस मुकाम पे लाया। साथ ही परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों की आबादी भी इस परियोजना के कारण सृजित होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों एवं अन्य सेवाओं से लाभान्वित होगी, और स्वच्छ एवं हरित तरीके से विद्युत निर्माण करके लाखों लोगों के घरों में रोशनी करने का सपना भी साकार होगा। आशा है कि भविष्य में सिलसिलेवार तरीके से और भी अधिक परमाणु रिएक्टरों के लगने से हम सभी इस स्वर्णिम सफर को और भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे और देश के विकास के साक्षी बनेंगे।